चलिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं LR ब्लॉग और मैं हूं तेज प्रताप यादव। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए। और आज आपको, जैसे कि आप देख रहे हैं पटना में किस तरीके से दिन पर दिन ठंड बढ़ रहा है, और इस मौके पे जो हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि आग तापने का मज़ा ले रहे हैं, आग ताप रहे हैं और आग ताप करके और अपने बॉडी को गर्म करने का काम कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं, कम ऑन आइए। अब हम ले चलते हैं अपने आवास के अंदर, घर के अंदर, गेट के अंदर। देखिए गार्ड साहब हैं और देखिए आग का एकदम बड़े अच्छे तरीके से लोग जलाने का काम किए हैं, और कुछ हमारे मित्र, हमारे फ्रेंड्स जो हैं यहाँ बैठे हैं और आपको सबसे परिचय कराने का काम करेंगे। आइए देखिए यहाँ आग तापने का लोग सबसे पहले आपको मिलाते हैं हम अपने बचपन के एकदम साथी हैं, जिनका नाम है दानिश खान। ये दानिश खान हैं, सवनपुरा से हैं। ये प्रिय रंजन जी भी हैं और विवेकेंद्र हैं, ये आजम जी हैं, महादेव पुदा दरंगा जी से। ये कोई नाम हो इनका, नाम थोड़ा सा महादेव नाम है। ये दरभंगा से हैं और ये हैं बाबा पूजा वूजा कराते हैं। बाबा है, इनका नाम अभिषेक चौबे है जो कि अभी सेवा में रहता है। ये हमारे संतोष भैया हैं, गांव से हैं, फुलवरिया गांव से आए। अभी हम यहाँ आग तापने का मज़ा ले रहे हैं। बताइए हो गया 3-4 साल, छह साल के बाद आप मिल रहे हैं। उनके फादर MP थे सीवर से, अनवारुल्लाह के बेटा हैं। ठंडा में हम लोग आग दे ई कर रहे हैं, मतलब आनंद ले रहे हैं आग ताप के। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया है, एकदम बैठे हुए हैं। आपने अपने मित्र के साथ बैठे हुए हैं, हम लोग मिल रहे हैं, पुरानी बातें ताजा कर रहे हैं, यादों में हम लोग डेली यहाँ बैठ के बैठते हैं, बात करते हैं और आग का मजा लेते हैं। आग तो परंपरागत है, तेज बाबू का मतलब जेनेटिक है, साहब भी इसी तरह आग तापते हैं और उसी का हम लोग आनंद ले रहे हैं। पटना में आते हैं ना, उसी को प्रथा को आग तापने का इस तरीके से बीच में बोरसी लगता है और उसमें लकड़ी उकड़ी डाल के गोईठा उठा लगा के आग लगा के सब लोग साथ में इकट्ठे बैठते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। उसी में कुछ कुछ भूजा ऊजा या चना उना अपना चलता रहा तो उसमें लोग गप सड़ाका भी लोग करते हैं और उसमें आग का भी मजा लेते हैं बैठ करके। और इसी आग में लिट्टी भी बनता है जी, जो गोईठा पर लिट्टी बनता है। बहुत गार्ड लोग हैं, उनको कभी कभी बोलते हैं तो लोग बनाने का काम करते हैं गोईठा पर, बड़ा अच्छे तरीके से बनता है। और आइए आपको एक व्यू और दिखाते हैं, आप आइए हमारे साथ, आप लोग बैठिए इधर। जैसे कि हमारा गार्ड रूम है तो हमारे जो जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो इसी कमरे में रहते हैं। और आप देखिएगा कि इनका जैसे है कि हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो इसी कमरे में हैं, इसी कमरे में रहते हैं। ये सिक्योरिटी गार्ड हैं, कहीं भी अब हमारा प्रोग्राम हुआ तो ये साथ में जाते हैं, स्कॉट करते हैं। और इनका भी भोजन यहाँ बनता है और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये आपको भी थोड़ी ना पैन मत छुई आप, ये है भोजन बन रहा है। अब ये भोजन क्या बना रहे हैं आप? बना रहे हैं कि तस्मई बन रहा है सर, तस्मई बन रहा है, खीर इनके लिए बन रहा है खीर। और ये लगता है कि ये भुजिया बन रहा है, ये भुजिया बन रहा है, आलू गोभी का ये भुजिया बनाने का काम कर रहे हैं। और इस आलू गोभी की भुजिए से इतना अच्छा स्मेल आ रहा है और झाग भी आ रहा, छींक भी आ रहा, लेकिन इसको हम भी चला देते हैं थोड़ा ताकि सब्जी और अच्छे तरीके से बन जाए, लबालब बन जाए, टपटप बन जाए। और ये देखिए इधर भी ये हवलदार साहब हैं, ये गार्ड हैं हमारे, तो यहाँ कोई भी प्रोग्राम वगैरह हमारा निकलता है तो इनको पहले जाता है, तब ये टाइट हो जाते हैं, सुरक्षा में कोई कोताही नहीं करते हैं ये लोग, सब लोग जहाँ बोलते हैं वहाँ जाने का काम करते हैं।
और आइए आपको पीछे का बिल्कुल व्यू दिखा दें। हमारे पास डॉग्स और डॉग्स के साथ साथ हमने घोड़े को भी रखने का काम किया है, हमने घोड़ा को भी रखने का काम किया है जिसका नाम चेतक है। तो दो घोड़े हैं हमारे पास, चेतक है, एक का नाम पवन है। और आइए सबसे पहले कि देखिए, हमको देखते ही ये चिल्लाने लगते हैं, हमको देखते हैं, एक का नाम स्काइलर है, एक का नाम स्पार्क है, एक का नाम लियो है, एक ब्रूनो है। अब जैसे ही उनके पास क्लोज हम जाएंगे तो ये भौंकने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे एकदम कि हमारा मालिक आ गया। जैसे कैसे घर में अगर आप डॉग्स रखते हैं तो आपके पास, जब डॉग्स रखते हैं तो जब आप घर में जाएंगे ऑफिस से थकने के बाद तो आपके पास आ जाते हैं डॉग्स कि हमारा मालिक आ गया, हम वो कुछ देगा खाने के लिए, कुछ देगा। तो आइए देखा, देखिए आप कैसे किस तरीके से ये जो डॉग्स है ये साइबेरिया से है, साइबेरियन हस्की इनका नाम है, ये साइबेरिया का डॉग है और ये ठंडे प्रदेश में रहने वाला डॉग है। जितने भी ठंड इलाका है, जितने भी ठंड इलाके हैं साइबेरिया में, जैसे पूरी तरीके से माइनस डिग्री रहता है और ठंड रहता, बर्फ रहता, उसमें ये डॉग्स रहते हैं। तो ये साइबेरिया के डॉग्स है। अब तो ठंड का मौसम नहीं और यहाँ पर है, जब तक मैं यहाँ रहूँगा तब तक ये चिल्लाएंगे इसी तरीके, इसलिए मैं हट जाता हूँ भैया। और आपको दिखाते हैं जो हमारे पास जो घोड़े हैं वो आप देख लीजिए कि घोड़ा जो है वो अंदर है, वो घोड़ा जो है वो अंदर है, वहाँ देखिए यहाँ से दिख रहा है वो जो घोड़ा है हमारा, वो घोड़ा है, वो हमारा घोड़ा है। और घोड़ा बिल्कुल देखिए कि अभी इधर जो है कच्चा है, मिट्टी है और यहाँ पे चलने में देखिए कीचड़ भी है, कीचड़ भी आपको पड़ेगा, ये कीचड़ है, करने का भी मुझे आदत है, शौक है और मैं राइडिंग भी करता हूँ, मैं घोड़ा भी दौड़ाता हूँ। इधर देखिए कीचड़ है, ठीक है, और इधर से हम इधर से निकल, इधर पैर फंस जाता है ना, हट गए और इधर आ गए। देखिए हमारी पुरानी कार है ये एम्बेसडर जो है, ये मेरी फेवरेट कार है, लेकिन अभी इसका कंडीशन अभी ठीक नहीं है। और इस कार का जो बोलते हैं ना लक्ष्मीनिया कार, वो वही यही कार है वो एम्बेसडर। तो इस कार में बैठ करके हम महुआ का जो चुनाव था ना, महुआ का चुनाव, उसको फाइट किए थे, तो ये हमारे लिए लकी साबित हुआ था। तो इस पे बैठ के हम वहाँ का चुनाव जीतने का काम किए थे और पहली बार जीवन में पहली बार हम विधायक बने और मंत्री बने। तो ये हमारा लक्ष्मीनिया कार है, इसलिए सारा चीज सारा गाड़ी जो है तो चलाते ही हैं, लेकिन इसका चलाने का जो मजा है ना वो अलग मजा है इसको चलाने का। अब आइए यार देखिए, अब फिर चिल्ला रहे हैं, तो जान गया कि इनका मालिक है इधर। और इधर पूरा ये देखिए पैर में कीचड़ लग गया है, कीचड़ को साफ कर लेते हैं, ठंड का मौसम है, ठंड में अच्छे तरीके से बच करके और रहिए क्योंकि दिन पर दिन ठंड बढ़ रहा है। और हम यहीं से विदा लेते हैं और आप देख रहे हैं एल आर ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर फॉलोअर्स बनने का काम कीजिए। और हर एक दिन की तरह इस दिन भी हम नया नया ब्लॉग आपको लाने का काम करेंगे। फिर अगला ब्लॉग कुछ कुकिंग वुकिंग का होगा, खाना वाना से रिलेटेड होगा। धन्यवाद।